हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे सभी लोग। चलिए, कल हम लोगों ने एडजेक्टिव में एडजेक्टिव और क्वालिटी की थी ना। चलिए आज हम लोग करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कह रहे क्वालिटी पढ़ी थी, आज हम लोग करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है बेटा, आज हम लोग करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ओके सॉरी क्वांटिटी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव है ना। आज हम लोग करेंगे, दिख रहा है, दूसरा है ना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब आप सभी लोगों को पता है ना, क्वांटिटी क्या होती है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, कहेंगे कि कितनी क्वांटिटी में है। देखो बेटा, क्वांटिटी का मतलब होता है, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कितनी मात्रा है। समझ रहे ना, मात्रा एक ऐसी चीज है जिसको समझेगा, मात्रा समझ रहे ना, किसी भी चीज की मात्रा। जैसे कि हमने एक बना दिया था, इसमें चाय कितनी है, आप क्या इसको गिन सकते हैं, एक दो तीन चार, नहीं ना। लेकिन चाय की मात्रा बताई जा सकती है, आधी चाय है, फुल चाय है ना। जैसे कि पानी हो गया, तो हम लोग कहते हैं सम वाटर, कुछ पानी, है ना बेटा, समझ रहे ना। यानी कि जब आप किसी चीज की मात्रा बताते हो, उसकी गिनती नहीं बताते हो, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, किसी भी चीज की मात्रा। और आप एडजेक्टिव जानते हो, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उसकी विशेषता बताता है। तो विशेषता बताने के साथ साथ अच्छा कभी कभी वो क्वांटिटी भी बताता है। एक चीज देखिएगा, जैसे कि अगर हम कह दें कि वॉइस, तो वॉइस क्या है, नाउन है। अगर हम इसके आगे लिख दें गुड, तो ये हो गया अच्छा लड़का। तो गुड क्या कर रहा है, वॉइस की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम कह दें टेंट वॉइस, तो अब बताओ कि क्या ये टेंट शब्द जो है वो वॉइस की कोई क्वालिटी बता रहा है, नहीं ना। ये नंबर बता रहा है, क्या बता रहा है, नंबर, कि बच्चे कितने हैं, लड़के कितने हैं, उनका नंबर बता रहा है। तो बता तो वो नाउन का ही रहा है ना, तो ये भी एडजेक्टिव हुआ। लेकिन इसी के हिसाब से हम लोगों ने इसको काइंड, इसके कई सारे पार्ट कर दिए, एडजेक्टिव को हम लोगों ने कई पार्ट में बांट दिया। तो जिसमें से एक पार्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये तो बेटा से नंबर हो गया, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर हम कह दें जैसे कि वाटर, और आगे लगा दे सम वाटर, कुछ पानी, तो कुछ पानी मतलब आपने मात्रा बताया ना, कहीं कुछ पानी ले आओ, थोड़ा पानी ले आओ। या जैसे हम कह दें मेनी बॉयज, मेनी बॉयज मतलब कई लड़के, यानी बहुत सारे लड़के, एक दो तीन नहीं, बहुत सारे, आप उसको गिन नहीं पा रहे हो। जैसे हमने कह दिया मच, मच ट्रबल, अत्यधिक परेशानी, परेशानी को हमने कर दिया मच, यानी कि अधिक मात्रा में। तो जब मच लग गया तो मच ट्रबल, अधिक परेशानी, तो आप इसको गिन नहीं पा रहे हो, मगर इसकी मात्रा तो बता रहे हो ना। तो वही होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम लोग क्या शो करते हैं, किसी भी चीज की मात्रा कितनी है, ओके बच्चा। चलिए, बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है।
मटेरियल, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी लिखिएगा, लिखिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इंडिकेट्स, दिख रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इंडिकेट्स, सी ए टी एस लिखा है, इंडिकेट्स द अमाउंट, इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एस्टीमेट और एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, क्लियर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इंडिकेट्स द अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है बेटा मात्रा, और एस्टिमेटेड अमाउंट या फिर उसका कुछ एस्टिमेटेड, जैसे अभी हमने कहा ना आधा कप चाय, तो एस्टिमेटेड अमाउंट हो गया। आप द नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसको एडजेक्टिव कहते हैं, तो ऐसे ही नाउन या प्रोनाउन की जो मात्रा बता दे उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। समझ गए, चलिए एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कहा जाए, एक मिनट, चलिए बेटा जैसे कहा जाए आई, अच्छा इसे इसमें क्या क्या यूज होते हैं, एज सम ऐसे लिखते हैं, एडजेक्टिव सोइंग क्वांटिटी, लिख लेंगे एडजेक्टिव सोइंग क्वांटिटी, जो एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जो जो दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे लिख लेंगे मच, मैनी, सम, एनफ, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वर्ड्स, ठीक है, लिटिल एटीसी, ऐसे वर्ड होते हैं बेटा, जैसे मच हो गया, मेनी हो गया, हेलो हेलो राजीव के पास नहीं, सोना के पास,
पेन्स हैं, कितने हैं? मेनी, कई सारे पेन हैं।